नमस्ते आपका, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज तक जैसे कि आपने देखा था, मैंने एक वीडियो डाला था WC को रिपेयर करने का कि ओवरफ्लो हो जाता है और लीक करता है, कैसे सही करते हैं। उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया दोस्तों, मेरे को 15,000 से ऊपर उसमें व्यूज आ चुके हैं। तो उसमें कई लोगों के मेरे को फ़ोन आए, कई लोगों के मेरे को मैसेज भी आए कि सर हमारा क्या होता है कि जैसे देख रहे होंगे आप WC में प्रेशर, पानी का फ्लो बहुत कम आ रहा है, उसको कैसे रिपेयर करें। और जैसे कि कुछ किसी से ये जो हमारा साइपन होता है, साइपन नहीं खुल पा रहा था, और जैसे ये बॉल कॉक नहीं खुल पा रही थी, तो बोले थे सर प्लीज़ दोबारा वीडियो बनाइए, एक बार ढंग से ठीक से और अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसमें बहुत महीन तरीके से कि आपको करना क्या है। तो वीडियो को आप बने रहे लास्ट तक, अगर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे बजा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें पानी का फ्लो पूरा आ रहा है दोस्तों, पानी का फ्लो इसमें इतना आता है, ये देखिए पानी का फ्लो पूरा है। तो जैसे कि आपका कभी अगर फ्लो इसमें नहीं आ रहा है तो फ्लो आप कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और इसमें कुछ बारीक से आप जैसे मेरे इसको फ़ोन कॉल आ रहे थे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टम जो है दो तरीके से लीकेज करता है। एक तो क्या होता है, भर जाता है उसके बाद लीकेज करता है, जैसे पूरा भर गया उसके बाद लीकेज करता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, भरता नहीं है और जड़ में पानी होता है नीचे और वहीं से लीकेज करना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है और किन कारणों की वजह से ऐसे लीकेज करता है कि जड़ में पानी है आपका और लीकेज कर रहा है। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि पानी आपका भरता नहीं है, लीकेज क्यों करता है। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, उसका कारण दोस्तों क्या है कि जो हमारा साइफन लगाया है दोस्तों, इसको आपने ऐसे खोलना है। देखिए इसके जड़ में चूना आया था जिससे पानी भरता नहीं है, इसके जड़ से पानी निकल जाता है। इसको खोल के दोस्तों हल्का सा इसको ऐसे से हिलाइए और ये देखिए दोस्तों देख रहे हैं, इसको हल्का सा आप ऊपर को ऐसे 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 करके निकालिए, ये आराम से निकल जाता है, ये देखिए ठीक है। तो इसकी जड़ में दोस्तों क्या होता है, इसकी जड़ में जैसे कि देखिए कुछ दिनों बाद ये भी शायद लीकेज करने लग जाता है। इसमें देखिए ये चूना जम जाता है दोस्तों, इसकी जड़ में देख रहे हैं आप चूना जम जाता है। तो हमें इस चूने को साफ़ करना होता है। और जो हमारा साइपन होता है, जो साइपन के रबड़ में आप देख रहे होंगे चूना दोस्तों, ये देखिए इसमें हमारा चूना जम जाता है। इस चूने को आप बहुत इजी होता है, इसको आप ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे निकल जा रहा है ये। इसको आप साफ करके ये मैं एक ही उंगली से कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए इसको आराम से आप इसको बिल्कुल क्लीन कर लीजिए हाथ से ही, ठीक है। किसी चाकू वाकू से रगड़ी नहीं, चाकू से रगड़ेंगे तो इसमें स्केच पड़ जाएगी और ये रवासर आपका ख़राब हो जाएगा। इसको ऐसे ही आप, हो सकता है तो आप जो बर्तन धोने वाला चूना है चूने से इसको आप साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे साफ़ कर लीजिए, ठीक है। साफ़ करने के बाद दोस्तों इसको आप एक बार धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप धो सकता है तो एक ब्रश लीजिए, जो कोलगेट करने वाला ब्रश होता है ख़राब, उससे भी आप इसको नीचे से नीचे ऐसे करके घुमा दीजिए, ये आपका चूना साफ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप ये देख रहे हैं इसमें एक क्लिप लगी है, क्लिप है ना, तीन क्लिप है इसमें, क्लिप लगी है, इसमें भी ऐसे खांचे बने होते हैं। इस खांचे को आप क्लिप की तरफ को सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से इसको आप ऐसे करते हुए नीचे को दबा लीजिए, जब ये नीचे दब जाता है उसके बाद से ये देखिए ये दोस्तों लग चुका है, अभी हमारा पानी अब इसमें नहीं आ रहा होगा, ये देखिए दोस्तों हल्का हल्का पानी है, अभी ये बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो गया दोस्तों, ठीक है। ये परेशानी तो आपको मैंने बता दी, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमारा जो पानी भरता नहीं है और नीचे हमारा WC में निकलता है, उसका कारण होता है ये कि नीचे चूना जम जाता है तो वहाँ से पानी हमारा रह जाता है, भरता नहीं है। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, दूसरा कारण क्या होता है, हमारा पानी भर जाता है और यहाँ से नीचे निकलता है, ठीक है। जब पानी यहाँ इस लेवल पर आया था भी यहाँ से नीचे निकलना शुरू हो जाता है, ये लगाया है उसी चीज़ के लिए होता है ताकि आपका पानी भर जाए तो यहाँ से बॉडी से बाहर ना आए, तो ये इसलिए लगा होता है। कभी अगर आपका ये बॉल को ख़राब हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका पानी बंद नहीं होता है, पानी ऐसे भरते रहता है और ये आपका पानी यहाँ से गिर जाता है, ठीक है। जैसे अभी इसको मैं ऊपर को उठाऊँगा, ये देखिए बंद हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका ये बंद नहीं होता है, ये उठ जाता है पूरा लेकिन पानी गिरते रहता है, इसलिए पानी भरते रहता है और यहाँ से निकलते रहता है। अब आपने इसको कैसे खोलना है, इसके लिए दोस्तों ये देखिए
ये क्लिप है, इसके क्लिप को देखिए मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, मेरे को कैमरा पकड़ने वाला नहीं है। ये देखिए मैं एक हाथ से जब आप कर सकता हूँ तो आप दो हाथ से भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डब्ल्यू सी हो सिस्टम सब में एक सा होता है, बट डिजाइन अलग अलग थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसको आपने निकाला, ये देखिए ठीक है, इसको निकाल के आप यहाँ से पानी बंद कर लीजिए। ये हमने पानी बंद कर दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखिए इसमें जो चूना है इस चूने को यहाँ पर साफ कर लेना है, जो यहाँ पर इसमें एक बारीक सा छेद होता है दोस्तों, ये देखिए ये बारीक सा छेद जब इसे बंद होता है तभी हमारा पानी बंद होता है। इसको हमने साफ कर लेना है। हमेशा हमारा दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये एरिया हमारा साफ रहना चाहिए, ठीक है। आप जो ब्रश करते हैं, हम जैसे टूथब्रश होता है उससे आप इसको हल्का हल्का ऐसा करेंगे तो चूना ऐसे निकल जाता है, बहुत ईजी निकल जाता है। ये देखिए मैंने खाली उंगली से किया दोस्तों, ये देखिए ये हमारा साफ हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कर लेना है, इसको एक बार खोल लेना है। इसको आप खोलेंगे कैसे, इसको आपने थोड़ा सा आप ताकत लगाएंगे ऐसे, इधर को इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये हमारा खुल गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए इसमें हल्का हल्का चूना जमा है, देखिए इस चूने को आपने साफ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैंने उंगली से किया, उंगली से साफ हो गया है, बहुत इजी है। इसको आपने ऐसे करके साफ कर लेना है, फिर आपको इसको नल में ऐसे धो लेना है, ठीक। हो सके तो थोड़ा सा प्रेशर से पानी इसमें ही मार दीजिए, ठीक। उसके बाद से दोस्तों इसको हमने ऐसे ही लगा लेना है। इसमें देखिए खांचे बने हैं, ये खांचे बने हैं, ये देखिए ये खांचों के हमने इसको ऐसे फिट करना है, ये देखिए इसको ऐसे हम फिट कर लेंगे। इसमें इसके ऐसे लगा के हल्का सा आप इसको दबाएंगे ऐसे, थोड़ा सा क्या है दोस्तों कैमरा पकड़ने की दिक्कत है, तो थोड़ा सा एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक खांचे में बैठा लिया, उसके बाद से हम इसको ऐसे करके आपने दबा देना है दोस्तों, ऐसे लगाइए। अब ये मत सोचिए कि टूट जाएगा, पर काफ़ी मजबूत होता है, एकदम से टूटता नहीं है। ठीक है, ऐसे करके इसको दबा लीजिए। ये देखिए ये हमारा लग गया है, देखिए। उसके बाद से इसे क्लॉक हल्का सा ऐसे क्लॉक वाइज घुमा लीजिए, ठीक है। ये हमारा दोस्तों लग गया है, उसके बाद से आपने क्या करना है, ये देखिए दोस्तों ये हमने खांचे में फिट आ गया है, ठीक है। उसके बाद से आपने इसको ऐसे ही लगा देना है, ऐसे क्लिप, अभी देखिए जैसे कि ऐसे बहने लग जाता है। ये आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, इसके लिए आप क्या नहीं कि क्या है, ठीक से बैठा नहीं है। इसको हम नीचे को हल्का सा दबा लेंगे, ये देखिए ये देखिए अब हमारा पानी प्रेशर से आने लगा है दोस्तों। नंबर एक तो दोस्तों ये होता है पानी का प्रेशर कम आने का काम, ठीक है। उसके बाद से एक काम मैं और बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहें, जिससे हमारा पानी कम आता है।
ठीक है, इसको आप ठीक से और दबा लेंगे। अभी मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, मैं इसको और दबा दूंगा, ये पानी एकदम बंद हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा हो गया। आपको मैं बता दिया पानी किसी, जब पानी हमारा भरा नहीं होता है और लीकेज करता है तो साइफन की प्रॉब्लम होती है, और जब हमारा पानी भर जाता है और हमारा लीकेज बंद नहीं होता है तो हमारे इस बॉल कॉक की दिक्कत होती है। ये देखिए अभी उठाया, बंद हो गया ना। ऐसे ही पानी जैसे भरते रहता है, ऊपर को आते रहता है और ऐसे बंद हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो होता है, हमारा जो पानी का प्रेशर कम आता है उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से हमारा कनेक्शन गया है दोस्तों, ठीक है, ये कनेक्शन गया है। फर्स्ट आपने जहाँ से आपके डब्ल्यूसी कनेक्शन गया है इसको खोल लेना है। यहाँ पर अगर आपका पानी फुल आ रहा है तो प्रॉब्लम आ गई है। अगर यहाँ पर पानी आपका फुल नहीं आ रहा है तो इसके अंदर ये क्या है, ये डिस्क वाला है, देखिए इसके अंदर भी कभी कभी कूड़ा फंस जाता है, तो इसकी खोल के आप प्लम्बर को बुला के इसकी सफाई कर सकते हैं। और ये हम अगली वीडियो में दोस्तों इसको कैसे खोलते हैं, कैसे इसका अंदर से स्प्लेंडर निकालते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा कैसे इसकी सफाई होती है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से दोस्तों यहाँ से पानी हमारा जाता है ऊपर को, यहाँ पर एक जाली लगी होती है दोस्तों, आपने इसको खोल लेना है हाथ से। ये ऐसे हो जाता है, देखिए इसको खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से आप पेचकस से जाली को निकालेंगे, और पेचकस या दोस्तों इसको आप निकालेंगे तो जाली भी से साथ आती है। अगर जाली अंदर है तो पेचकस आप हल्का सा मारेंगे, उसमें उसको सफाई करेंगे, ऐसे 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 करके आप घुमाएंगे तो साफ हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी का प्रेशर मार लीजिए, साफ हो जाता है, फिर आपका पानी यहाँ पुराने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड, आपका यह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैं कि हम एंगल कॉक, अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें दिखाऊंगा कि एंगल कॉक को कैसे खोलते हैं, इसका स्प्लेंडर कैसे निकालते हैं और कैसे उसकी सफाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों का किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े, आप घर में खुद ही कर लें दोस्तों, वही बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, अगर आपकी समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और नेक्स्ट अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ मैं। और दोस्तों मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें हाउस वायरिंग का काम सिखा रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका भी पार्ट वन आया है, उसका पार्ट टू थ्री फोर कई पार्ट उसके आएंगे, जिसमें आपको फुल हाउस वायरिंग का काम सिखाऊंगा कि हाउस वायरिंग कैसे करते हैं, कैसे जीटी खोदी जाती है, कैसे पाइप तार डाली जाती है, कैसे केसिंग में फिटिंग की जाती है, कैसे हम घर में आप खुद कर सकते हैं, और कैसे आप फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, फॉल्ट कैसे कैसे आते हैं घरों में, कैसे आप फॉल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों ठीक है, आज कल मिलता हूँ दोस्तों एक वीडियो में, नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।